उत्तराखंड में नई सरकार बनते ही मंत्री और नेता से लेकर तमाम अधिकारी भी अलर्ट हो गए हैं। लगातार मंत्रियों और नेताओं का अपने अपने इलाके में दौरा हो रहा है। सरकारी काम में कहीं कोई ढील ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सरकार भी इन दौरों और औचक निरीक्षण के जरिए अपनी एक अलग छवि जनता के सामने पेश कर रही है। इसी कड़ी में राज्य मंत्री के तौर पर राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पद संभाल रही सायरा बानू ने काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई का जायजा लिया, तो वहीं मेल फीमेल वार्ड में पहुंचकर मरीजों से इलाज के बारे में जानकारी ली। इस दौरान जहां कुछ मरीजों ने बेहतर इलाज बताया, वहीं कुछ मरीजों ने अस्पताल में प्रसव के नाम पर हजारों रुपए लेने का आरोप लगाया। मैं अब तो झाड़ा बुखार उल्टी हो रही, जब 5,000 रुपए लगे थे हमारे, 21 फरवरी को लड़की हुई थी हमारी तीसरी। कौन से सन में? जी अभी फरवरी में, 21 फरवरी। अच्छा, 22 में जी 5,000 रुपए। हाँ, आशा थी दिलसाना हमारे जी, ऑपरेशन तीसरा ऑपरेशन था मेरा। तो 21 फरवरी से आप यहीं पर ही हैं? नहीं, मैं कल आई हूँ यहाँ। अभी किस केस में एडमिट हुई हैं आप? अब मुझे उल्टियाँ हो रही हैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तो घर में मौसम चेंज हो रहा था जी। 5,000 रुपए लिए थे, किसने लिए थे? मैडम ने, शिवानी सिंगल मैडम ने। सिंगल मैम को बुलाए थे, क्या कह के लिए थे आपसे? आशा ने दिलवाए थे। दिलसाना? दिलसाना अभी तो नहीं लिए, 5,000 की मांग बोली है जी। जमा करने गए पेमेंट, यही ऑपरेशन का, कि ऑपरेशन का खर्चा है। कौन आया था आपके पास ये कहने के लिए? डॉक्टर खुद बोल रही हैं, जो हमारे यहाँ की आशा हैं वो भी कह रही हैं कि लगते हैं 5,000 रुपए। आशा का नाम बताओ, क्या नाम है आशा का? जयवंती। हम यहाँ किराए पर रहते हैं, आईटीआई थाना है ना। वहीं सरकार की राज्य मंत्री सायरा बानू ने कहा कि लेबर रूम का निरीक्षण करने के बाद वहाँ साफ सफाई और प्रसव के उपकरण बेहतर अवस्था में पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों से बातचीत के दौरान मरीज ने बताया कि सरकारी अस्पताल में सुविधाएं अच्छे तरीके से मिल रही हैं, तो वहीं अस्पताल के शौचालय की स्थिति अच्छी है। खामियों के बारे में पूछे जाने पर सायरा बानू ने कहा कि महिला वार्ड में भर्ती महिला मरीज ने बताया कि राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर शिवानी सिंघल आशाओं के माध्यम से एक प्रसव पर 5,000 रुपए सुविधा शुल्क लेती हैं। इस बारे में अस्पताल के उच्च अधिकारियों और डॉक्टर शिवानी सिंघल से भी बात की गई। उन्होंने कहा कि आगे इस तरह की शिकायत नहीं आएगी। आज मैं सरकारी हॉस्पिटल जो है एलडी भट्ट जो है उसका निरीक्षण, औचक निरीक्षण किया है, और इसमें जो है लेबर रूम का भी निरीक्षण किया है। उसमें लेबर रूम में उपकरण सही है, साफ़ सफाई सही है, और मेंटेटी रूम जो है उसका भी निरीक्षण किया है, और जेंट्स रूम है और वुमेन्स रूम है, और उनका भी निरीक्षण किया है। तो और उनसे वार्तालाप भी हुई है, जो पेशेंट हैं उनसे वार्तालाप भी हुई है, और उनका कहना ये है कि उनको जो फैसिलिटी है वो सही से मिल रही है, और जो भी खामियां हैं, जो यहाँ के सीएमओ हैं कैलाश राणा जी हैं, तो उनको हमने बताई है, और जो वॉशरूम है महिलाओं के, जेंट्स वॉशरूम है, उसको भी हमने देखा है, उसमें भी काफ़ी साफ़ सफाई है। और खामियां ये हैं कि एक लेडी है, पेशेंट है, उन्होंने नाम लिया है शिवानी सिंघल जी का, कि वो मतलब आशाओं द्वारा मतलब पैसा लेती हैं, और 5,000 रुपए मतलब डोनेशन लेती हैं एक डिलीवरी पे। तो इस पे हमने सीएमओ साहब से बात की है, और उन्होंने कहा है कि इस तरह की बात नहीं होगी, और हमने जो डॉक्टर हैं शिवानी सिंघल उनसे भी बातचीत की है, और उन्होंने भी कहा है कि इस तरह की बात नहीं होगी और आगे। वहीं इस पूरे मामले पर डॉक्टर शिवानी सिंघल ने कहा कि उन्हें आज पहली बार ये पता चला है कि आशाओं ने इस तरह का काम किया है। उन्होंने कहा कि वो अब तक अपने काम में ही लगी रहती थीं, लेकिन अब इस पर भी ध्यान रखेंगी, क्योंकि मरीजों की सेवा करना उनका फर्ज है और वो अपना फर्ज अदा कर रही हैं। अब मैं इसके बारे में क्या बोलूं, ये बात मुझे खुदा पहली बार पता चल रही है कि ऐसा भी कुछ चल रहा है। अब ये क्या सच है झूठ है, ये इसके बारे में मुझे भी मालूम करना पड़ेगा। मैं भी ध्यान रखूंगी आगे से, क्योंकि हम लोग तो सब पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अब इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे रोजाना हज़ारों मरीज़ आ रहे हैं, 60-70 पेशेंट हम रोजाना देखते हैं, अब कौन हमारे बारे में क्या बात कर रहा है क्या बात नहीं कर रहा है, उसका हम आगे से ध्यान रखेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाए गए हैं
आशाओं पर ब्लेम लगाया गया है और उसमें अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया है मरीजों के द्वारा आपको किया गया है। आशाओं ने ये कहा है कि आप कहती हैं देने के लिए, तो मैम इसमें किस तरह की आपके द्वारा सख्ती की जाएगी? तो बिल्कुल मैं तो अब बहुत ध्यान रखूंगी इन सब चीज़ों का, क्योंकि पहले तो मैं ध्यान ही नहीं रखती थी इन सब चीज़ों का कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। बस अपना सुबह आया मरीज़ देखा और चले गए, और मैं तो हमेशा अपने मरीज़ भी ख़त्म करके जाती हूँ। मुझे यहाँ पे 2 बजे तक हॉस्पिटल है, 4 भी बज जाते हैं अगर मरीज़ ख़त्म नहीं होते हैं तो 4 बजे तक। अब देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में भी इस तरह की मुस्तैदी मंत्रियों और नेताओं की जारी रहती है या फिर ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए महज दिखावा है। लेकिन जो भी हो, इस तरह के औचक निरीक्षण होते रहना चाहिए ताकि सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है ये कम से कम पता चलते रहें। पंजाब केसरी टीवी के लिए काशीपुर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट।